न्यूज नेटर 17 में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलते हैं खबर की तरफ। टीवी के कुछ बेहद ही सक्सेसफुल और पॉपुलर रियलिटी शोज में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो बिग बॉस का नाम काफी ऊपर नजर आता है, जो इन दिनों न केवल लाखों दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है बल्कि इसके साथ ही सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही में बीती 1 अक्टूबर 2022 की तारीख को बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब बिग बॉस का नया सीजन काफी खबरों और सुर्खियों में छाया हुआ है। बिग बॉस के इस नए सीजन में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि अब्दुल रोजी हैं, जो आज पूरी दुनिया के सबसे छोटे सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं और एक सिंगर होने के साथ साथ वो एक ब्लॉगर के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे में अब्दुल रोजी को इन दिनों बिग बॉस के घर में खूब प्यार मिल रहा है। इसके साथ साथ वे काफी मीडिया और लाइमलाइट में भी बने रहते हैं। इन दिनों अब्दुल रोजी अपने शांत स्वभाव की वजह से भी लोगों के दिल जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी के साथ लड़ाई करते हुए नहीं देखा जाता है। इसके अलावा वे अभी तक सभी के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब शायद एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बिग बॉस के सेट पर अब्दुल रोजी का गुस्सा नजर आ सकता है। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि शो में आने वाले दिनों में हसबुल्ला की एंट्री होने वाली है, जिनके साथ अब्दुल रोजी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। प्राप्त जानकारी की माने तो बताया जा रहा है कि शो के मेकर्स ने हसबुल्ला को अप्रोच किया है और अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में हसबुल्ला वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए से शो में एंट्री ले सकते हैं। ऐसे में अब हसबुल्ला भी काफी मीडिया और लाइमलाइट में नजर आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवालात हैं कि आखिर वो कौन है और अब्दुल रोजी के साथ उनका रिश्ता क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हसबुल्ला सही में बिग बॉस में आ रहे हैं या फिर नहीं, हमें कोई भी अपडेट मिलती है तो आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।